तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम बात कर रहे हैं पावर बीआई और पावर बीआई में बताएंगे हम कि कैलकुलेशन कैसे करेंगे। कभी कभी क्या होता है कि डेटा हम इंपोर्ट तो करते हैं बट वो डेटा हमारे हिसाब से कैलकुलेट नहीं होता है, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे पावर बीआई के अंदर में, हम आपको इस सवाल का जवाब इस क्लास में देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन आपको दे रहा हूं। ये पावर बीआई हमने ओपन कर रखा है क्योंकि ओपन होने में टाइम लगता है, इसलिए हमने पहले ही ओपन कर दिया था। और उसके बाद यहाँ हम सबसे पहले जानते हैं कि हम डेटा को लाएंगे तभी तो कैलकुलेशन कर पाएंगे। तो डेटा जैसे कि हमने यहाँ पे इस डेटा को इंपोर्ट किया, राजी ध्यान से देखिएगा जी सर। अब यहाँ पे देखिए हमारे डेटा आ गया। अब इस डेटा में जैसे कि आप देख रहे हैं कि एमआरपी है, क्वांटिटी है, बट अमाउंट कहीं नहीं। तो अब मुझे करना है इसका दो तरीका, एक तो ट्रांसफॉर्म करके आप जाएंगे पावर क्यूरी पे, वहां कर सकते हैं, बट पावर क्यूरी के बारे में हम बाद में डिस्कस करते हैं। हम आते हैं सिंपल अपने पावर बीआई के ऊपर। तो पावर बीआई पे मेरा डेटा लोड हो रहा है, लोड हो गया। हम जाते हैं डेटा मॉडल के ऊपर, यहाँ पे डेटा है हमारा, तो मुझे एक एमआरपी ऐड करनी है, ये बोल रहे ना। तो हमें यहाँ न्यू कॉलम दिखेगा, न्यू कॉलम पे क्लिक कीजिए और इस न्यू कॉलम पे यहाँ पे कॉलम मतलब कि कॉलम की हेडिंग, तो कॉलम की हेडिंग हो जाता है अमाउंट। और यहाँ हम आराम से लगा सकते हैं क्वांटिटी, वही बाय कर देते हैं क्यू टी वाई क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय एम आर सी, ओके, और एंटर प्रेस कर दो। कैलकुलेशन हो गया। मान लीजिए इससे मुझे जीएसटी निकालना है, हमें जीएसटी निकालना, तो अमाउंट अभी कैलकुलेशन हुआ है। तो यहाँ देखिए एक तरह से कैलकुलेशन का सिंबल बना हुआ है ना, ठीक है आपको। उसके बाद हम यहाँ एक और कॉलम ऐड करते हैं, जैसे कि हमने बताया था आपको न्यू कॉलम। अब ये हो जाएगा हमारा जीएसटी, और जीएसटी किसका निकालना है, अमाउंट का निकालना है। अमाउंट सिलेक्ट किया, मल्टीप्लाई हुआ। अब यहां पे मैं 18% नहीं लिख सकता, क्यों, क्योंकि परसेंट का सिंबल पावर बीआई एक्सेप्ट नहीं करता है। यहां पे मुझे क्या करना पड़ेगा, 0.18 पड़ेगा या फिर 18/100 करना पड़ेगा। आ गया। अब मुझे यहां पे एक और कॉलम ऐड करना है टोटल के लिए, या हम टोटल लिखते हैं टोटल, और यहां हम देते हैं अमाउंट प्लस जीएसटी। देख रहे फॉर्मूला वगैरह भी है जीएसटी। अब एक छोटी सी प्रॉब्लम है कि अमाउंट प्लस जीएसटी हमने कर दिया तो आ गया डेसिमल्स में, बट मुझे इसमें राउंड करना है। तो राउंड का फॉर्मूला बताइए कि इसमें आप फंक्शन भी अप्लाई कर सकते हैं, राउंड, और हमने यहां पे कॉमा दे दिया जीरो, राउंड में कन्वर्ट हो। क्या बोल रहे हैं शारा जी, समझ में आया आपको? ये तो मुझे समझ आ गया। अब जैसे फॉर इंस्टेंस आपके डेटा के एग्जांपल से मैं अपना जो मुझे क्वेरी है मैं पूछती हूँ, जैसे अगर यहाँ पे मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, और हर प्रोडक्ट का फॉर इंस्टेंस एक डिस्काउंट परसेंटेज है,
ठीक है, तो एक और शीट पे हमारे पास डेटा होगा, जैसे प्रोडक्ट वन का 10%, प्रोडक्ट टू का 5%। आप बोला है कि इस प्रोडक्ट का एक डिस्काउंट परसेंटेज है अलग अलग, जो कि एक अलग टेबल पे है, और मुझे यहाँ पे डिस्काउंट कैलकुलेट करना, राइट? जी, और जैसे ये डेटा, जैसे प्रोडक्ट डेटा वो रो में है, और मंथ वाइज आपकी फॉर इंस्टेंस ईयर या कोई भी, जैसे मंथ मैं वाइज वन बाय वन चलते हैं, एक साथ कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी तो आप समझ नहीं पाएंगे, सो वन बाय वन चलते हैं। फर्स्ट हम अलग सीट पे हमारे पास डेटा है तो क्या करें, तो अब डेटा इंपोर्ट करना है, लेकिन मेरे पास क्या है कि प्रोडक्ट तीन या चार ही प्रोडक्ट है, तो हम सिंपल से क्या कर रहे हैं, यहाँ एक आता है एंटर डेटा, मतलब यहाँ आप अपना डेटा इंक्रीज भी कर सकते हो, ठीक है? समझे? तो मैं यहाँ ऊपर हेडिंग में देता हूँ प्रोडक्ट, ठीक है, सेलिंग है ना। अब यहां पे हम देते हैं ENTERACR, पहला प्रोडक्ट, उसके बाद दूसरा प्रोडक्ट, प्रोडक्ट वन, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट थ्री, आई थिंक फोर तक है ना, प्रोडक्ट फोर, और इसका नाम टेबल पे हो गया। अब यहाँ पे एक और कॉलम ऐड कर दिया, और यहाँ पे हमने बोल दिया डिस्काउंट, राइट? तो डिस्काउंट में 0.02% है, 0.03% है, 25% हो गया ना, 0.04 है, 0.05, ये हमारा परसेंटेज आ गया। अब इसके बाद हम यहाँ पे DS डिस्काउंट के नाम से इसको लोड कर दें, क्लियर है जी सर? अब हमें क्या करना है, कैलकुलेशन करनी है, कैलकुलेशन किस बिहाफ पे करनी है, कैलकुलेशन करनी है हमें इस प्रोडक्ट के बिहाफ से, हमारा जो दूसरा DIS है इससे डेटा लुकअप हो गया, राइट? ये चाहते ना जी सर। तो इसके लिए हम एक नया कॉलम ऐड करते हैं, न्यू कॉलम। अब यहां पे DIS परसेंटेज का हम सिंबल देते हैं, और एक फॉर्मूला होता है इसमें लुकअप वैल्यू, लुकअप वैल्यू मतलब मुझे रिजल्ट कॉलम नहीं, किसका रिजल्ट आपको चाहिए, तो DIS, हाँ DIS का डिस्काउंट परसेंटेज चाहिए, सर्च किसमें करना है, तो सर्च करना है DIS प्रोडक्ट में, सर्च वैल्यू क्या है, सर्च वैल्यू क्या है, तो सर्च वैल्यू हमने बोला यहाँ पे, सर्च वैल्यू हमने बोला मान लीजिए प्रोडक्ट, ईच वन का एरर आएगा, मेरे हिसाब से एरर आएगा, नहीं सही आ गया, आ गया, ठीक है। अब मुझे डिस्काउंट परसेंटेज नहीं, डायरेक्ट डिस्काउंट निकालना है, डिस्काउंट, ठीक है। और डिस्काउंट में हमने क्या कर दिया कि हम यहाँ हमारा अमाउंट है ना, तो यहाँ हम देते हैं अमाउंट मल्टीप्लाई डिस्काउंट हो जाएगा, आ गया। अब आप क्या कह रहे थे, सही? जी, मैं कह रही थी कि ठीक है, ये मुझे समझ आ गया कि आपने रो वाइज फॉर्मूला लगाया। अब जैसे फॉर इंस्टेंस मेरा जो डेटा है उसमें हेडर है डिटेल्स, और उसमें GP भी है, रेवेन्यू भी है, वॉल्यूम भी है, तो मुझे जो फॉर्मूला लगाना है खाली GP और रेवेन्यू पर लगाना है, हाँ, वो हम कैसे करें?
इसीलिए आपने आप शायद ध्यान से नहीं देखा था कि इसमें आपको एक वैल्यू टू भी आता था ना, इसमें दो वैल्यू भी दे सकते हैं, अल्टरनेट वैल्यू वन कमा कमा वैल्यू टू भी दे सकते हैं इसमें। ठीक है, तो अगर एक कॉलम का हेडर दे रहे हैं और उसमें स्पेसिफिक स्पेसिफाई कर सकते हैं कि सिर्फ इन पे लगाना है फॉर्मूला, वो हो सकता है राइट? हाँ, आप बोलना चाहते हैं कि जैसे मैं चाहता हूँ कि भाई इसमें प्रोडक्ट सीआरएम पे फॉर्मूला ना लगे, ये चाहते हैं ना आप? जी 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 एग्जैक्टली हाँ, तो यहाँ पे इफ कंडीशन इस्तेमाल कर सकते हैं आप कि इफ प्रोडक्ट यहाँ पे शीट वन प्रोडक्ट इज नॉट इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमा में दे सकते हैं। अब समझ आया ना सर आपको? जी सर। एन ई आर ई आर ए सी आर ए देन ए चले, अदरवाइज यहां जीरो हो जाए। ठीक है, ठीक है, हाँ उस पर जीरो आ गया। ठीक है, अगर जीरो या कोई और वैल्यू चाहते हैं तो कर सकते हैं आप। कई और अगर वही वैल्यू कई सारे प्रोडक्ट है तो यहाँ पे एंड लग जाएगा और लग जाएगा। जी, और अगर जैसे जीरो के बजाय जो उसकी ओरिजिनल वैल्यू है वो चाहिए तो फिर अब यहाँ अपने मर्जी जो लिखना लिख दीजिए ना मैम, ठीक है ठीक है ना। जैसे मुझे ओरिजिनल वैल्यू चाहिए तो मैं यहाँ पे अमाउंट कर देता हूँ, आ जाएगा अमाउंट आएगा। ठीक है, सही है, मैं ये याद ट्राई याद कर समझ रहा है कि नहीं? जी इम्तियाज जी से पूछा, इम्तियाज जी आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? ये सर आ रहा है, समझ में आ रहा है। तो जो लुकअप वैल्यू क्या था, ये आपका एक्सेल का वी लुकअप था। ओके, समझ गए। बाकी जो एक बगवा सेम लगता है इसमें एंड और सेम लगता है, कुछ फॉर्मूले चेंज हो गए हैं। तो जो लुकअप वैल्यू यहाँ पे वैल्यू हो गया, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हुआ। सबसे पहले कि कहाँ सर्च करना है, इसको किसमें सर्च करना है, किससे सर्च करना है और क्या सर्च करना है, तो माफ कीजिएगा नहीं किसमें सर्च करना है, नहीं क्या चाहिए, पहला है क्या चाहिए, किसमें सर्च करना है, क्या सर्च करना है। ओके ठीक है सर। तो मेरे हिसाब से आप जो है इससे थोड़ी सी प्रैक्टिस कीजिए, राइट सर? जी सर, जज भी नहीं है ऐसे क्योंकि समझ में नहीं आएगा। तो मैंने शुरुआती में आपको क्या बताया, मैथमेटिकल ऑपरेशन, जैसे मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना, प्लस करना, छोटे छोटे फॉर्मूले जैसे राउंड का फॉर्मूला लगाना, तो आप इनसे प्रैक्टिस हुए। अब डायरेक्ट ऐसा नहीं कि आप ये लुकअप वैल्यू इफ कंडीशन लगाने लगे, ठीक है ना। तो पहले मैथमेटिकल कैलकुलेशन की। और एक चीज और मैंने आज सिखाई कि अगर मान लीजिए कि आपके पास कुछ 5-7 रो का डेटा है, कुछ 5-7 रो का डेटा है, अब उसकी जरूरत नहीं है कि मुझे एक्सेल सीट पे जाना है, उस डेटा को डालना है, देन यहाँ इंपोर्ट करना है। हमारे पास एंटर डेटा का ऑप्शन है जहां पे हम खुद अपनी डेटा क्रिएट कर सकते हैं, कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। समझ गए? हेलो सर, इसकी प्रैक्टिस कीजिए, अगले क्लास में हम आपके साथ मिलते हैं सेम टाइम। ठीक है, थैंक यू, थैंक यू सर।